हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं अरवी की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसमें 500 ग्राम के लगभग अरवी लगाएंगे, जिसको आप कुकर में 2 सीटी लगा करके उबाल लें और उसकी छिलका हटा लें। जिसे मैंने छिलके हटाए हैं, इसको 4 पीस में मैं कट कर लूँगी। इधर मैंने 2 प्याज को स्लाइस के रूप में कट कर लिए हैं। यहाँ लहसुन है, लहसुन को मैंने कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे तेल गर्म कर लिए, इसमें लहसुन मैंने डाल लिए हैं। आप भी इसी तरह से कुछ मैंने नकाते हुए लहसुन डाले, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और कुछ कट कर लिए हैं और इसमें मैं अब जीरा डालूँगी। देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने आधे चम्मच के लगभग आप जीरा ऐड कर दिया। तो मैं रख दिया, तो मैं इसमें ओनियन डालूँगी और सूखी मिर्च 2 कप करके आप डाल लें। 1 से 2 प्याज को इस तरह से आधी कट करके डाल लें। सूखी प्याज है, सूखी मिर्ची है और मैं इसमें प्याज कट करके स्लाइस करती है वो डालेंगे और भूनेंगे इसको अच्छे से। छोटा सा गुलाबी होने लगेगा तो मैं अभी डाल देंगे इसमें। आप देख सकते हैं ये प्याज पूरी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच के लगभग सब्जी मसाला ऐड कर ले और गरम मसाला 1/2 चम्मच के लगभग ऐड कर ले। सूखी लाल मिर्च जो पाउडर आती है उसे भी आप 1/2 चम्मच के लगभग आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने बड़े वाले स्पून में डाल करके आप लोग को बता रही हूँ, जैसे आप लोग को समझ में आए। 500 ग्राम के लगभग अरवी है, इसमें हल्दी पाउडर आप ऐड कर लें। सबको मिक्स कर लें। ऑलरेडी तेल गर्म है, प्याज भी भून चुके हैं। अब मैं इसमें कटे हुए अरवी डाल दूँगी। डाल करके इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब बिल्कुल बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्जी है, इसे आप लंच में बच्चों को भी आप दे सकते हैं। बच्चे भी बहुत ही प्यार से और टेस्ट से खाएंगे अच्छे से। और ब्रेकफास्ट में आप सफर में भी इसे लेकर जाएंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर में ये ख़राब नहीं होती है। अब आप इसमें जो बिल्कुल भून चुके हैं अरवी पूरी तरह मसाले में कोट हो चुके हैं, अब इसमें आप नमक ऐड कर ले 1 चम्मच। मैंने नमक ऐड किए 1 से 1.5 चम्मच के लगभग। ये छोटी वाली स्पून है, बच्चों की टिफिन में जो यूज़ की जाती है वैसी वाली स्पून का मैंने इस्तेमाल किया है। ऐसे आप 1 चम्मच खाने वाली चम्मच से आप डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसकी नमक ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, बहुत टेस्टी बनेगा। बैचलर बच्चों के लिए तो और भी यम्मी सब्जी है। प्लीज़ आप लोग भी इसे ना देख सकते हैं कितनी सुंदर ये लग रही है। अब मैं इसे लीजिए, ये सब्जी तैयार हो चुकी है आप लोगों के खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी डिशेज मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उसे आप लोग देख सकते हैं। मैंने लिंक नीचे दे दिया है। कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग को, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।